सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। लेकिन बेसहारा गौवंश के लिए भी पूरी व्यवस्था करने जा रहे हैं। आप देखना, जो ये रसोई गैस के सिलेंडर है ना, ये रसोई गैस के सिलेंडर आने वाले समय में एजेंसी से नहीं, गौशाला के गोबर गैस से ही भर करके घर घर पहुंचाने की व्यवस्था करने का इंतजाम हो रहा है। गौ माता भी बचेगी, अन्नदाता किसान की फसल भी बचेगी। आए समझ में ना? ऐसे ही जैसे आपने सांसद भी चुना और रवि किशन जी अपनी फिल्मों को फ्री में दिखाते भी, अलग ना दिखाते होंगे लेकिन उनके आने से आप देख तो लेते हैं कि यही व्यक्ति काम कर रहा होगा फिल्मों में। और इस चुनाव के बाद तो मैंने पप्पू भैया को ही बोला है, राधेश्याम बाबू को ही बोला और महेंद्र पाल से कहने का, रवि किशन जी की फिल्म में जरूर काम करना। कितने और लोग फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं यहाँ पे? ये तो यहाँ की सभी महिलाएं भी काम करने के इच्छुक हैं। और भाइयों बहनों, इस बात को नोट करना, अब हम लोग फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में ही बना रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्र। हमारा युवा यहीं पे फिल्में बनाएगा, पूरे देश और दुनिया में यहाँ की फिल्में जाएंगी देखने के लिए। और 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है 5 साल में बिना भेदभाव के, अब तय किया है। देखिए, पहले तो उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, पर्व और त्योहार में बिजली नहीं आती थी। पहले तो बिजली की भी जाती थी ना, ईद और मुहर्रम पे बिजली आएगी, होली दीपावली में गायब हो जाएगी, यही होता था ना। अब तो सबको बिजली है ना, अब दंगा भी नहीं होता। देखो, पश्चिम में इतनी खराब स्थिति थी, पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी, लोगों के घर से उनके जानवर लोग कसाई लोग खोल के लेके चले जाते थे। हमने ऐसी व्यवस्था करके आते ही सभी पोचड़खानों को बंद करवा दिया, ताला बंद करवा दिया। और हमने कहा जो दंगा करेगा भाई, उसके पहले से फोटो चस्पा हो जाने चाहिए। और कितनी सख्त कार्रवाई की, ये जितने पेशेवर माफिया अपराधी थे ये सब गले में तख्ती लटका के चलते हैं, कहते हैं साहब जान बकस दो बस, अब हम किसी गरीब की संपत्ति पे कब्जा नहीं करेंगे। अब ये लोग एक ही बात कहते हैं, जान बकस दो बस, हम कहीं ठेला लगा करके सब्जी बेच देंगे लेकिन हम गंडागर्दी नहीं करेंगे, गुंडागर्दी नहीं करेंगे। ऐसा भयमुक्त वातावरण चाहिए ना। ये गुंडे अपराधी सत्ता में आएंगे तो फिर वही करेंगे ना जो करते थे। और इसीलिए आज आप देखिए, हम लोग कभी कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, हर भव्य में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, दीपोत्सव उत्तर प्रदेश में, अभी होली आ रही है, मथुरा वृंदावन की होली दुनिया के अंदर छा रही है, काशी की देव दीपावली। और समाजवादी पार्टी के लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा तुमने कौन विकास कराया, कहा हमने विकास करा, मैंने कहा कौन सा, कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई। उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई तो हमने हर धाम तीर्थ स्थल को सुंदरीकरण करके दर्शनीय बना दिया है, कोई भी जाएगा बहुत शानदार तरीके से दर्शन करता है। भाइयों बहनों, ये जो गरीबों के कल्याण के लिए कार्य हो रहे हैं, पिपराइज विधानसभा, दो विश्वविद्यालय आपको दे दिए, आयुष विश्वविद्यालय भी तो आप ही के भटर में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। राष्ट्रपति जी आए थे, राष्ट्रपति जी से पहले कभी आए थे क्या? आए थे ना। और एक विश्वविद्यालय यही पे बालापार में बना रहे हैं, यहां के नौजवानों को नर्सिंग, फार्मेसी, मेडिकल, आयुर्वेद और किसी भी पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बाहर के बच्चे और आप सभी मिलकर के यहीं पे पढ़ेंगे और देश और दुनिया में नाम कमाएंगे। ये विकास होता है।
विश्वविद्यालय बना दिए, चीनी मिल चला दी, जहां जहां के लिए पुल के आए थे पुल के प्रस्ताव, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, आईटीआई, जहां बिजली नीति वहां बिजली पहुंचा दी, जहां सड़क नीति वहां सड़क पहुंचा दी, जिसके बाद राशन कार्ड नहीं थे राशन कार्ड दे दिया, जिसके यहां मकान नहीं था मकान दे दिया, और जिसके पास अभी नहीं होगा उसको फिर देंगे, और जिसके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं होगा उसको जमीन का पट्टा भी देंगे। ऐसी सरकार चाहिए ना, बेईमानी और भ्रष्टाचार वाली नहीं ना, दंगाइयों का साथ देने वाली नहीं ना। और चुनाव के बाद रवि किशन जी की फिल्मों में काम करने का अवसर भी आपको मिल सके, इसके लिए जोरदार तैयारी कर आनी चलने। ये भारतीय जनता पार्टी की भाइयों बहनों, कल चुनाव है 61 सीटों का, पांचवें चरण का, और कल यानी अब तक चुनाव, कल तक जो चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके आगे बढ़ चुकी है, और फिर छठे चरण में गोरखपुर क्षेत्र में चुनाव होना है और सातवें में वाराणसी में होना है। इसमें हमें फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त कर देना। तैयार है सभी लोग? सभी लोग तैयार हैं? दमदार सरकार चाहिए ना। पिछली बार गोरखपुर में 9 में से 8 जीते थे, इस बार 9 में से 9 जीतना है। तैयार है इन 9 की 9 सीटों पर? पिपराइच में महेंद्रपाल सिंह, गोरखपुर नगर से मैं स्वयं ही हूं, फतेह बहादुर सिंह कैंपेरगंज से, प्रदीप शुक्ला लड़ रहे हैं सहजनवा से, विपिन सिंह गोरखपुर ग्रामीण से, सरवण निषाद लड़ रहे हैं चोरी चोरा से, विमलेश पासवान लड़ रहे हैं, विमलेश पासवान लड़ रहे हैं बांसगांव से, डॉक्टर से राजेश त्रिपाठी लड़ रहे हैं सिंधुपार से, और फिर राम चौहान लड़ रहे हैं खजरी से। 9 सीट है, नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी हित मित्रगण जितने लोग होंगे, देखना गोरखपुर की नाक बचाना, ठीक है ना। सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए, सहमत हैं? भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे, लेकिन उसकी शर्त एक है, चुनाव के दिन पहले मतदान। सभी लोग सहमत होकर के जाएंगे ना, चाहे गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो कुछ भी हो, चुनाव और मतदान हमारा अधिकार है, ठीक है, हर व्यक्ति का अधिकार है, और अधिकार का प्रयोग करते हुए संवैधानिक कर्तव्यों का भी पालन करना है, शांतिपूर्ण तरीके से अपने बूथ को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना है, सहमत है ना। भाइयों बहनों, जब दमदार सरकार बनती है ना, देखो गोरखपुर से पिछली बार 8 विधायक जीते थे, 325 सीट जीते थे, अगर 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो 330 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 330 का मतलब एक हाथ में विकास, यानी विकास के कार्य, हाईवे बनेंगे, सड़कों का चौड़ीकरण होगा, गांव गांव में सड़कें बनेंगी, बिजली आएगी, विश्वविद्यालय बनेंगे, महाविद्यालय बनेंगे, आईटीआई बनेगी, पॉलिटेक्निक बनेंगे, बच्चों के लिए नौकरी रोजगार होगी, गरीबों के लिए शासन की सुविधाओं का द्वार खुला होगा, और दूसरी हाथ पर ये जो बिलबिला रहे हैं ना अभी गुंडे माफिया, कुछ चुनाव के कारण थोड़ा गर्मी चढ़ गई है, इस गर्मी को भी शांत करने के लिए बुलडोजर चाहिए कि नहीं चाहिए? तैयार है? बुलडोजर को चलाने के लिए सक्षम है ना? आपको भी इतनी ताकत है कि आप चला सकते हैं। और भाइयों बहनों, मजबूती के साथ फिर एक बार 300
सरकार, फिर एक बार सभी लोग तैयार हैं कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से श्री महेंद्र पाल सिंह को विजयी बनाएंगे। दोनों हाथ लाकर के मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ लाकर के, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।